और कैसी लग रही है आपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताना है। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जो लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल अता फरमाए, आमीन। दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल आयरा को हमने शॉपिंग करा दी हुई है, लेकिन आज हम जा रहे हैं अपने लिए चप्पल खरीदने के लिए। मैंने कपड़े एक टेलर को दी हुई है, वो उठा ले। पहले पहले कुछ जरूरी काम घर के निपटाने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉप जाते हैं और वहाँ से कुछ जरूरी अशिया घर के लिए है वो लाते हैं। मेरे चप्पल काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। मोहम्मद अद्दाद भी मेरे साथ जा रहा है, उसके लिए भी मैंने चप्पल खरीदी है क्योंकि उसके चप्पल भी नहीं है। हमारे बाजार यहाँ से सर्फ और तेज़ाब की बोतल मुझे चाहिए, वो यहाँ से ले लेंगे। ले जी, घर घर के लिए सर्फ और तेज़ाब की बोतल चाहिए, वो हमने ले ली। यहाँ जाने से पहले पहले अबीरा का और आयशा दोनों का काम बहुत ही जी, इन दोनों का काम बहुत जी। आपने क्या लेना है? अभी इसकी डिमांड है, सुनो। कौन कह रहा है कि मुझे बिस्कुट दो, कोई कह रहा है मुझे चाइना मट्टी दो। तो सब ऐसा वाले माशा चाइना खटा और तो सब हाजी। अच्छा आप ये लो, चलो इन दोनों की डिमांड पूरी करते हैं, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं सिटी की। हम सिटी की तरफ निकल चुके हैं और अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं, बाइक का काम है, बाइक का ट्यूनिंग हमने करना है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। बाइक ने आवाज़ भी बदल ली है और इसकी ट्यूनिंग बहुत ही लाजमी है। इसकी मोबाइल ऑयल और ट्यूनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद जाएंगे शॉपिंग के लिए। ले जी, अपना बाइक यहाँ पर हो गया है रेडी और अभी वही साहब इंशाल्लाह की ट्रेनिंग करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें चांस मिल गया, हमें नंबर मिल गया। रमज़ान में आप मज़े कर लो, ऊपर चढ़ गया जी। ले जी, यहाँ पर अपना ट्यूनिंग का काम हो गया है शुरू और भाई साहब कर रहे हैं ट्यूनिंग, फिल्टर मोबाइल ऑयल की सफाई सुथराई। ले जी, अभी यहाँ पर कर रहे हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है यहाँ पर जी। बैटरी निकाल ली गई, इसमें भी तेज़ाब काफ़ी कम हो चुका है तो तेज़ाब इसमें डाल लेंगे। यहाँ पर अपना फ़िल्टर अभी बदला जा रहा है, न्यू फिल्टर डलवा रहे हैं। ले जी, अभी यहाँ पर मोबाइल ऑयल तब्दील किया जा रहा है। बिल्कुल देसी घी है जी, माशाल्लाह। अभी इसके लेदर भी मैंने चेंज करवा लिए, पहले वाले लेदर जो थे वो भाई साहब बता रहे हैं कि वो दो नंबर थे, अभी ये ओरिजिनल वाले लेदर मैंने लगा लिए। तो मार्केट में अक्सर दो नंबर ही का काम होता है, तो इससे आप बच कर रहे हैं। आप जब भी आए तो ऑथेंटिक जगह पर आए, वहाँ पर आपको काम सही और सही तरीके से मिलेगा। जो लेदर मैंने पहले लगाई हुई थी तो वो जानने वाला था, बिल्कुल ओरिजिनल और सही है। यहाँ पर ओरिजिनल जगह तो ये बता रहे हैं, ये सही जगह ये बता रहे हैं कि ये दो नंबर थे, चेंज करवाए हैं और सही ओरिजिनल लेदर मैंने भी इसके लगवा दिया है। अभी दो नंबर लेदर जो है वो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया, अभी वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये ओरिजिनल वाले, इसके स्प्रिंग्स आपको आप देखिए, बिल्कुल ज़बरदस्त ओरिजिनल स्प्रिंग। और अभी आप इसको देखिए, ये वाले स्प्रिंग कितने छोटे हैं, ये टूट गए हैं। दो नंबर काम थे तो आप पैसा कमा लेते हैं लेकिन बरकत नहीं रही। बाइक का काम हो गया है कम्प्लीट और बिल कितना बना है? सिर्फ 2100 रुपये। जितना बाइक का काम था उसका तमाम हो गया। अभी जितना काम रहता है इंजन में थोड़ा काम है, लेकिन वो इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे। उस पर तकरीबन 6-7 हज़ार पर खर्च आएगा, जब ईद गुजर जाए फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे। ये वाले बिल्कुल फिट फाट है अल्हम्दुलिल्लाह, और मॉडल भी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा है। वैरायटी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जब आप ज़्यादा वैरायटी देखें तो फिर आपकी चॉइस इनकम्प्लीट हो जाती है। तो खैर, हमने अपनी चॉइस देखनी।
दा सही पापा की रिलैक्स ही का ना पाओ इसमें रिलैक्स होता था भाई जान कह रहे हैं कि ये सही है। दादी दा कबल मॉडल कम ही होते दा सरासरी चिकी मिली दा सर हाँ दा सही दा ब्राउन कलर थोड़ा ट्राई कहता से ना ट्राई को ना अरे भाई जान दूसरे निकाल रहे हैं कि आप ये भी ट्राई करें ब्लैक कलर में रखा हुआ ब्राउन कलर मैंने चॉइस करनी है। शूज़ भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है काफ़ी बड़ा माल है आप यहाँ से देखें यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जी। सही सब नंबर दी बराबर दी क्या ना पचास हाँ करा वाला जी भाई जान के चॉइस पर हमने ले लिया बहुत ही नरम और पाँव भी उसमें रिलैक्स ही रहता है। तो चलो जी ये वाला हमने ख़रीद लिया अभी अद्दास वहाँ पर ढूंढ रहा है तो अद्दास के लिए भी ख़रीदते हैं। अद्दास कम ही होते बाग इश्तार कम ही होते खौख है कम ही नंबर तो देखें ट्राई कर पके अभी अद्दास ये ट्राई कर रहे हैं कि ये वाली मैंने लेनी इसमें बड़ा नंबर आपको ले रहेगा। सही है इन लोगों का आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है भाई जान इसमें भी बड़ा साइज 9 नंबर जी अद्दास को भी चप्पल पसंद आ गई ये वाले में मैंने ले लिया अभी ये कह रहा है कि मैंने मजबूत रगड़ा था ना खैर को देना रगड़ हाँ 10 नंबर अदास आ गए 9 नंबर ही पता नहीं कि यह अदास 10 नंबर ही साफ चलो ये वाले ट्राई करो आप के ना अदास तो सुगो रख पर इसको भी मेरे वाले जैसे चप्पल पसंद आ गए इसको भी ये दिलवा देते तो 2 चप्पल हो गए जी एक जैसे ब्राउन अल्हम्दुलिल्लाह चलो जी वाला काम भी फाइनल हो गया यहाँ चलो जी चलते हैं। माशाल्लाह आयरा ने अरबी स्टाइल बनाया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह अबाया छोटी सी अबाया है जो इसको मामूनी दिलाया हुआ है और अबाया के साथ साथ स्कार भी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ाक है इस तरह लग रही है आयरा जैसे कोई अरबिक स्टाइल बेबी गर्ल आई हुई है माशाल्लाह जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह अरबिक स्टाइल है जी ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अरबिक स्टाइल है जो बहुत ही ज़बरदस्त अबाया पहना हुआ है जी ये देखें आप माशाल्लाह खूबसूरत स्कार्फ अरबी स्टाइल है और अरबी अबाया अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मामू ने दिलाया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत आपको सुभानअल्लाह आयरा की न्यू लुक है न्यू स्टाइल है और आपको लोगों को कैसे लगा आपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताना है माशाल्लाह जी उगर मारने माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी सर पकौड़े ज़बरदस्ती थी शॉपिंग शूपिंग से हम आ गए और अभी यहाँ से इफ्तारी के लिए पकौड़े कबाब ले लेंगे जो आजकल हाजी साहब बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त ये मेरे डिलीशियस होते हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह अस्सलाम क्या हाल है सोने ठीक ठाक हो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी के लिए खरबूज किनो ये दे दो जी यहाँ से इफ्तारी के लिए सामान ले लेंगे खाली खा नियत और मुराद दिन भर का जितना भी रूटीन था वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया वैसे रूटीन रमज़ान में रूटीन थोड़ा हटकर हो जाता है रूटीन थोड़ा तब्दील हो जाता है खेतों के ऊपर निकल आए हैं और यहाँ एक खूबसूरत से नज़ारे आपके साथ इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे सनसेट का माहौल भी आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ से सनसेट बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त लगता है और अफ्तार मेन्यू भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर हो रहा है फ्लिप का खेल आयशा ने जीत लिया है जी अभी तक जीरो है इसका आइयो फ्लिप कीजियो आप भी आइयो कहियो फ्लिप कीजियो
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. आज हमारे दिन भर की रूटीन आपको कैसे लगा? अगर वो लगा अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने भाई हफीजुल्लाह को दीजिए इजाजत बहुत सारे दुआओं के साथ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। हमें अपने दुआओं में जरूर याद रखें। लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।